खुलेआम नशा यहाँ पे बिक रहा है, खुलेआम नशा मिल रहा है। कलाज जैसे नशे का हॉटस्पॉट बन गया है, नशे से हो रही मौत थम नहीं पा रही। आज भी मैं एक परिवार के यहाँ बैठ के आया हूँ, युवा मौत और उसके नाक में से जगुड़ आए हुए थे। उसका मकसद ये है कि नशे की ओवरडोज से युवाओं की जो मृत्यु हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये सत्ता पे बैठे हुए लोग जो गांव में सिंथेटिक नशा भी पहुंच गया है उसके जिम्मेदार नहीं है? ऊपर से नीचे तक नशे की चैन बन गई है, संयोजित तरीके से नशा सप्लाई किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिंदल साहब, आज कलायत की गली गली में, हर गांव में हीरोइन, स्मैक, चस, सुल्फा, गांजा, अफीम, कोकीन, मार्फिन खुलेआम बिक रहा है। वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है वो इसके जिम्मेदार है। अवैध शराब की फैक्ट्रियों में किस नेता की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी सवाल कोरोना के समय से उठाकर लगातार चल रहा है। 50 से अधिक जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो चुकी, उनके दोषियों को आज तक आपने सलाम के पीछे पहुंचाया नहीं है। नकली शराब पी के नशे तस्करों से पार्टनरशिप सरकार के कौन से मंत्री की है, सरकार के कौन से विधायक की है, सरकार इसको बताए। और मैं पूछना भी चाहता हूं, अगर सरकार का संरक्षण नहीं है तो हरियाणा में नशा इतने बड़े पैमाने में कैसे पहुंच गया? कलायत की ही बात नहीं करा मैं, पूरे हर जिले के अंदर नशा पहुंच गया। जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन लोगों ने चंद पैसों के लालच में इस प्रदेश के युवाओं का नशे में झोंक दिया है, जवानी को नशे में झुलसा दिया है। जिंदल साहब, 5 साल से भाजपा के एमएलए हैं यहां पे, 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, स्टेट में भाजपा, सेंटर में भाजपा, और नशे की इतनी गंभीर हालत के लिए जिम्मेदार कौन? सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसी पार्टी का आप झंडा उठा के घूम रहे हो जिसने इस प्रदेश के अंदर नशे का कारोबार चलाया, इस प्रदेश के युवाओं को नशे के अंदर मौत की तरफ धकेल दिया। नकली शराब बनाते हुए पकड़े जाते हैं और इनके नेताओं के फोन आने पर वो छूट जाते हैं, इस बात का जिम्मेदार कौन है? पूरा का पूरा नशे के कारोबार के लिए मैं चाहूंगा नवीन जिंदल जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। क्या ये जो नशे के कारोबार करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी, इस पे अपना स्पष्टीकरण ले। नशा तस्करों के साथ वो आज प्रचार कर रहे हैं, युवाओं को नशे की दलदल में धकेल देने वाली पार्टी के साथ खड़े हुए, जो जिंदगी बर्बाद कर दी युवाओं की, जनता इसका सबक सिखाएगी। आपने इनका झंडा थाम तो लिया, झंडा थामा तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली पार्टी का दामन थामा है। मैं जिंदल साहब को एक बात बताना चाहता हूं, परसों आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि धर्मनगरी में सुनील नींबू वाला आपका पुराना मित्र है, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के आप घूमते हुए दिखाई दिए। सारा शहर जानता है कि सुनील खुर्दे वाला है, नींबू वाला नहीं है, अवैध शराब का धंधा करता है, शराब के अड्डे अवैध अड्डे वाला है। सरकार बीजेपी के कुरुक्षेत्र के थाने में, पुलिस में, चौकियों में जाके इसके विषय में पता कर लो। कई बार चौकियों में इनके खिलाफ, सुनील के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। तो आप इस संस्कारी भाजपा का झंडा उठा के इस नशे वाला क्यों मोटरसाइकिल पर बैठ के
इस लोकसभा के जवान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, नशे के कारोबार में लोग आपके चेले चपटे हैं, आगे भी उनको खुला संरक्षण मिलेगा नशा बेचने के लिए? ये मेरा सवाल है। कृपा आप इस खुर्दे वाले का अपराधी रिकॉर्ड जांच करके बताएं कि आपके दोस्ती के बाद इसने नशे का कारोबार शुरू किया या पहले से कारोबार था और आपने दोस्ती कर ली। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के संरक्षण में कलायत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए नशे का कारोबार शुरू कर रखा है? अगर वो 10 साल काम करते तो पलेदारी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने 5-6 दिन पहले ट्वीट किया कि मैंने दिल्ली बॉर्डर को खुलवा दिया। पहले क्या क्या व्यवस्था हो रही है, फिर कहा कि मैंने खुलवा दिया जो पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बना रखे थे। तो जिंदल साहब लगवाए भी आपने थे, अब आप बोरियां उठा रहे हो। जो बीजेपी के मित्र हैं जिनको ठेका दे रखा है उनके लिए भी ट्वीट कर दो कि भाई जल्द से उठान कर दे, मंडी खाली हो। एक कट्टा बोरी पे उठा के 3 बार गिर के मंडी खाली नहीं होती। अगर मंडी खाली करनी है तो ट्रक लगाने पड़ेंगे ताकि किसान जो दुखी हो रहा है आज वो दुखी ना हो। पहली बात दोबारा पूछ लेता हूं, मैंने पूछा था कि 1,76,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप आपके ऊपर प्रधानमंत्री ने लगाया, अगर वो सच था तो क्या आपने पैसे सरकार में जमा करा दिए? देश के टैक्स पेयर के पैसे थे। अगर झूठ था तो क्या मोदी जी ने झूठ बोला था? दोनों में से एक बात तो थी ना। नरेंद्र मोदी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, वो आरोप सच्चा था या झूठा? मैं तो यही पूछ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था कि झूठ बोला था? मैं यही पूछ रहा हूं। मीडिया के साथियों ने भी पूछा था कि कोयला चोरी का मामला क्या है, तो उन्होंने कहा था अकेले में बताऊंगा। मेरे को भी अकेले बताएंगे कहेंगे कॉल तो रिकॉर्ड हो जाएगी। पंजाब के अंदर उड़ता हुआ पंजाब था, हमने नशा बंद कर दिया। हरियाणा के अंदर भी नशा बंद होगा 100%। नशा बंद करने के लिए सबसे पहले शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चों को रोजगार मिलेगा और कानून व्यवस्था कड़ी होगी और नशे की व्यापार करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा तो स्थिति सुधर जाएगी, जिसकी हम जिम्मेदारी भी देते हैं। जरूर बहुत अच्छी बात की आपने, हर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, आता ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा को, इस क्षेत्र को, इस रीजन को पानी की जरूरत है। पानी पे आप सबको मालूम होगा हिंदुस्तान का जो कानून है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है। पानी पंजाब ने नहीं देना, पानी भाखड़ा नंगल डैम से बंटना है, केंद्र सरकार उसको बांटे और हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दे, पंजाब को पंजाब के हिस्से का पानी दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रधानमंत्री बैठ के तमाशा नहीं देख सकता। तीनों जगह इनकी सरकार रह चुकी, क्यों नहीं हल करते? बीजेपी की सरकार पंजाब में भी रह ली अकालियों के साथ, हरियाणा में भी उसी समय और उसी समय केंद्र में भी, क्यों नहीं इन्होंने इंतजाम किया? क्योंकि लड़वाना चाहते हैं, पानी का मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। अब भी मैं कह रहा हूं देश का प्रधानमंत्री बैठे, इस चुनाव के दौरान बैठे और इस मुद्दे को हल करे। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, 750 किसानों की शहादत इन्होंने ली, इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, उपद्रवी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या उपमाएं इन्होंने दी। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, इंसान तो दूर की बात है, क्या एक भी किसान ने एक चिड़िया के बच्चे को भी पत्थर मारा था? वो गांधीवादी आंदोलन था और इस गांधीवादी आंदोलन को इस देश का संविधान परमिशन देता है। इस सड़क से वो दिल्ली जा रहे थे प्रधानमंत्री का वादा याद कराने के लिए, हरियाणा से तो कुछ नहीं मांग रहे थे।
हरियाणा सरकार क्यों पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बना के बैठ गई, पंजाब की तरफ भी दिल्ली की तरफ भी एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया। हरियाणा सरकार अपनी कानून व्यवस्था को तो देखती थी। आज बहन बेटियों के खुलेआम रेप होते हैं। दो दिन पहले रोहतक जेल के अंदर बंद युवती की रेप किया गया, पुलिस की कस्टडी के अंदर रेप किया गया, पुलिस वैन के अंदर रेप किया गया। इससे ज्यादा व्यवस्था क्या होगी? देश की पहलवान बेटियों का इन्होंने जो हाल किया था जंतर मंत्र पे आपने देखा होगा, ये पेवा से मंत्री संदीप सिंह ने जूनियर कोच का जो हाल किया था आपने देखा होगा। हर रोज अखबारों में सुर्खियों से बहन बेटियों की खबरें चलती हैं। ये जो वोमन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन के नाम पे चिल्लाने वाली भाजपा, अब जब एक बेटी का पुलिस की कस्टडी के अंदर रेप हुआ तब इनका ह्यूमन राइट कमीशन कहां गया, तब इनका वोमन कमीशन कहां गया? ये केवल महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। युवाओं को एक फौज की नौकरी मिलती थी, वो भी 4 साल की कर दी। कर्मचारी आज रो रहे हैं, इनको तो 6-6, 7-7 पेंशन चाहिए। कर्मचारियों की एक पेंशन थी ओल्ड पेंशन की, वो भी बंद कर दी। आज सुबह मेरे पास एक कर्मचारी आई थी, वो कह रहे थे किसी तरीके से मेरी पेंशन बंद करा दो। मैंने पूछा माता जी क्यों? उसने कहा जी जब तक एक पेंशन मिलती है मैं दूसरी नहीं ले सकती। मैंने कहा जी एक मिल रही है सरकारी, उसने कहा 862 रुपए महीना मिलते हैं पेंशन के, और मेरे को विधवा अवस्था पेंशन 2000 रुपए की मिलेगी, 3000 रुपए की मिलेगी। मेरी 862 रुपए बंद हो जाए तो मैं 3000 लेने लगू, मेरा तो दवाई का खर्चा नहीं चलता है, इसमें बिजली का बिल कोई नहीं भर सकती मैं, इसमें से क्या करूँ 862 रुपए का। देखो गुप्ता जी तो जब यहाँ पे बाढ़ आई तो यहाँ घूम रहे थे कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में, लाडवा में, जब कोरोना आया तो कैथल में, कलायत में, शाहबाद में, लाडवा में, रादौर में, थानेसर में, सब जगह घूम रहे थे। जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख के साथी बनेंगे। हमने आज तक जो कहा वो किया है। दिल्ली में हमारी सरकार आई, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल हमने बना दिए, सबसे बेहतरीन कॉलेज बना दिए। आज हरियाणा सहित पूरे देश का माँ बाप चाहता है कि मुझे दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए। मैं कह रहा हूँ, मेरी जवाबदेही बता रहा हूँ ना जी। हमने फ्री बिजली कर दी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, दिल्ली के अंदर भी, पंजाब में भी, कर्नाटका के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी। हम ऐसा नहीं करते कि मोदी की गारंटी 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर देंगे, नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं देते। MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे। अब तो देश में लोग ये कहने लगे चीन के सामान की और मोदी के जबान की कोई गारंटी। अच्छा है वो स्वस्थ रहे, मेरी शुभकामनाएं उनको। एक बार कट्टा उठाने में 3 बार गिरे थे, आगे से और प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह उठाएंगे। मैं तो गामा का बनने बताया जाटा गामा का बढ़िया हूँ, गंडासा हमारे घर में लग रहा था, बरोटे हम काट के लगा करते। ये भाई पुरानी आदत भूल ही जावा तो दराती भी चला ला, दूध काटना पड़े तो दूध भी काट ला, गोबर उठाना पड़े तो गोबर भी उठा ला। वो चले हेलीकॉप्टर में, मैं चलूँ रेडे में, वो चले भाई जहाज में, मैं चलूँ ऑटो रिक्शा में, तो उसका मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है? वो तो अमेरिका में पाओगे, किसी ने मिलना होगा तो मैं तो यारे गड़े हम घूमता पा दूंगा। चाय घर में जो साथी होते हैं उनको चाय पीना और पिलाना ये देश की पुरानी परंपरा है। सब्जी मंडी के अंदर मैं गया था शाहबाद में, पूरी सब्जी मंडी का दौरा किया, 2-3 घंटे मेहनत करी, फिर चाय बनाई, मैंने भी पी और अपने साथियों को पिलाई। इसके अंदर गलत बात क्या है? हम घर में भी बना लेते हैं, सवेरे सवेरे जब औरत नहीं उठती तो मैं बना के पिला देता हूँ। देखो सांसद ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार बनूंगा, पहले भी 6 साल रहा हूँ, मैं तो नुए पिलाता रहा हूँ भाई, आगे भी नुए पिलाते रहेंगे।
आज तक सुशील गुप्ता ने सांसद बनने के बाद किसी के काम को मना किया तो मेरे सामने आके बोल दे भाई, काम होना जरूरी नहीं होता, कोशिश होनी बहुत जरूरी है। मैं पूछता हूं इन्होंने अगर 10 साल में एक आदमी का फोन भी उठाया हो तो बता दे। देखो अभय चौटाला तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा ना, जो तो जिंदल का ही साथी है, जिंदल भी कह रहा है मेरी मदद करने के लिए आया, और वो भी लीला राम के घर पे बैठ के सलाह करता है बता तारी मदद को कर करूँ, वो तो उनके आपस का मामला क्या गुस्सा करना है, गुस्सा तो मेरा जिंदल पे भी नहीं है, वो तो बेचारा मजबूरी में आया है। ना क्या खातर बुलाना है, भाग है तो आ गया भाई, खेल के मैदान हो चाहे चुनाव का मैदान हो, मुकाबला तो आमने सामने का होता है। देख भाई वो कांग्रेस में था, आमने नहीं पेरा, उस पर मोदी ने झूठा आरोप लगाया था कि सच्चा लगाया था, वो तो जिंदल बता सके चाहे मोदी बता सके, किसने खाया था और किसने नहीं खाया, किसने झूठा लगाया किसने साची लगाया, ना तो जिंदल बोलता ना मोदी बोलता। सुन तो लो भाई, जब वो कांग्रेस में था हमने कहा भाई तेरे ऊपर आरोप झूठा और तेने लड़ना हो तो लड़ ले, या कांग्रेसिया ने भी पूछी आम आदमी वाले ने भी पूछी, दोनों ने पूछी, वो नाटक है मैंने नहीं लड़ना, तो फिर मैं आ गया। क्यों, मैं तो कितने और लड़ लेता, मेरे को तो पार्टी ने भारी ने टिकट मिलनी थी, कितने तो लड़ा देंगे, तो रोला नहीं था इसमें। जब आ गया तो भाई फिर उसका हमने यू हिसाब लगा, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जब रीढ़ की हड्डी होती तो अपनी जबान पे रहता, बनिया का थूक के भिगा रहा है, जबाने की कीमत हो है। आम आदमी ने देखते नहीं लाखों रुपए का व्यापार सालों साल होता रहा सिर्फ जबान पे, तो जबान पे तो रहना चाहिए था। अरे हमारा सुप्रीमो मैंने कर लिया, कांग्रेस के हरियाणा का सुप्रीमो मैंने कर लिया, और की बाकी बात रह जाए, सब ने कर ली थी बात। अरे कुरुक्षेत्र के कम से कम जो उसके घना दौरे नंबर है नहीं, जिसका दौरा नंबर था सब ने कर ली। जनता से अपील है कि परिवर्तन के लिए वोट दें, खुशहाली के लिए वोट दें, हर घर को रोजगार के लिए वोट दें, महंगाई को खत्म करने के लिए वोट दें, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए वोट दें।